हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आटे का टेस्टी हलवा किस तरीके से बनाते हैं। इस हलवे को हम प्रसाद के रूप में बनाते हैं दोस्तों। इस हलवे को पंजाबी कड़ा भी कहा जाता है, और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो हम 10 मिनट में इस हलवे को बनाकर खा सकते हैं। आटे का ये हमारा हलवा सूजी के हलवे से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों। इस हलवे को हम शुद्ध देसी घी से ही बनाते हैं, तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इस हलवे को बनाएंगे। सबसे पहले आटे का हलवा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन में पैन को गर्म करेंगे और इसमें हम जितना भी हम आटे का हलवा बनाएंगे उसकी आधी मात्रा में घी ले लेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक कटोरी आटा डालेंगे। ये घी हमने आधी कटोरी डाला है। जो भी आप हलवा बनाए तो इसकी आधी मात्रा में घी डालें, जो भी बर्तन आप लें। इसको ये घी हमें इतना लेना है दोस्तों ताकि हमारे आटे में गांठें ना पड़े, और इस तरीके से हमें इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से सेक भूनना है। इसको हमें इस तरीके से चलाना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है हमारा, और चलते रहना है ताकि नीचे से चिपक ना जाए। तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे और ये ब्राउन ना हो जाए भून के। ये आटा हमारा जब तक भून रहा है, जब तक हमें साइड में तपेली में पानी गर्म करने के लिए हमने रख दिया दोस्तों, और अब इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। इसका कलर चेंज ना हो जाए जब तक हमें इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। देखिए दोस्तों, इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा अभी और चलाएंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल बादामी हो जाए। अभी हमें इसमें नहीं बना करना है, चलाते रहना है थोड़ी देर और। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो आटा है बिल्कुल सिक कर बादामी कलर का हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है हमें पानी, और अब हम इसमें क्या करेंगे, जितना हमने आटा लिया था उससे आधी हम शक्कर लेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको इस तरीके से चलाते रहना है। इस हलवे का ये है कि देखिए, ये कढ़ाई में हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा हलवा बहुत अच्छा बना हुआ है। इसको खाने के बाद आप मूंग के हलवे को खाना भी भूल जाएंगे, ये इतना टेस्टी रहेगा। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इलायची पाउडर पसंद नहीं करती हूँ तो इसमें नहीं डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, हमारा हलवा 10 मिनट में बनकर कम्प्लीटली रेडी है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कम्प्लीटली रेडी हो गया है, ये हमारा कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो आपको यदि मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।